हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनालिसा। मेरी चैनल मोनाज़ीम कुकिंग वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप घर में ही कैसे घर के जमाए हुए फ्रेश मलाई से मक्खन और उसी मक्खन से घी बनाएंगे। हम सभी के घर में ज़्यादा कम थोड़ा बहुत दूध आता ही है, तो हम उसी दूध से हर रोज़ थोड़ा बहुत अगर मलाई निकाल लेंगे तो उसी से हमारा बहुत ही बढ़िया होममेड जो घी होता है बन जाएगा, और क्वालिटी और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया होता है इसका। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलना, और अभी तक मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमने पूरे 5 दिन के मलाई इकट्ठा किए हैं, हमने फ्रीज में इकट्ठा किए हैं ताकि मलाई ज़्यादा फ्रेश रहे। अगर फ्रीज में ना करें इकट्ठा तो 3 दिन बाद आप इस मलाई से मक्खन निकाल लें, ज़्यादा दिन ना रखें। मक्खन निकालने के लगभग आधा घंटा पहले हमने फ्रीज से इसे निकाल लिया है ताकि ये मलाई जो है हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए, ये इनफ सॉफ्ट हो चुका है, अभी हम इससे मक्खन निकालेंगे। उसके लिए हमें एक बड़े से बर्तन लेना है, तो हमने इसे ले लिया है बड़े से बर्तन, और इस बर्तन में सारे मलाई को डाल देंगे। अभी इस मलाई से मक्खन निकालने के लिए हमें जो करना है, मलाई को बीट करना है। उसके लिए हैंड बीटर या फिर इलेक्ट्रिक बीटर हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हाथ है किस काम के। हम इसे हाथों से ही बहुत इजीली फेंट के मक्खन निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट हम अगर हाथों से फेंट लेंगे इसे, टीवी देखते देखते ही हमारा काम हो जाएगा। और बीच बीच में अगर हाथ दुखने लगे तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेंगे, फिर चलाते रहेंगे हाथ को। तो इसी तरह से हम लगातार 10 से 15 मिनट इसे बीट करते रहेंगे, इससे हमारा पूरा जो मक्खन है इसे निकाल आएगा। इलेक्ट्रिक बीटर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है इलेक्ट्रिक बीटर, हमारे पास भी नहीं है, तो हम हाथों से ही करते हैं। हाथों से बहुत ईजिली हो जाते हैं और बहुत आसान तरीके हैं ये। 4-5 मिनट फेंटने के बाद हमारा हाथ थोड़ा सा दुखता है, तो हम 1-2 मिनट रेस्ट करके फिर से हम फेंटते रहते हैं। यहाँ पर लगभग हमने 10 से 15 मिनट फेंट लिए हैं, और इसका कलर देखिए थोड़ा सा चेंज होने लगा है। मक्खन का कलर जो है थोड़ा सा येलोइश होता है, तो ये थोड़ा सा येलो कलर होने लगा है। हमारा मक्खन अभी निकल आया है पूरी तरह से। अब हम इसमें पानी डालेंगे, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो हमें इसमें ठंडा पानी डालना है। डीप फ्रीज में हमें पानी रखे थे उस पानी को डाल रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा आइस क्यूब भी डाल देंगे। अगर ठंड का सीज़न हो तो नॉर्मल पानी से ही चल जाएगा। ठंडा पानी डालने से मक्खन जो है पानी के ऊपर निकल आता है, सारे मक्खन निकल आता है ऊपर, नीचे नहीं रहता है। तो अभी हम इस मक्खन को अच्छी तरह से हाथों से धो लेंगे पानी में मिलाते हुए, ताकि इस मक्खन के अंदर थोड़ा बहुत जो छाछ है वो पानी में चला जाए और सिर्फ मक्खन ऊपर रहे। अगर आप देखें कि पानी डालने के बाद मक्खन ऊपर अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप एक काम करें, फ्रीज में इसे 1 घंटा रख दें, फिर देखें मक्खन पूरी तरह से ऊपर अच्छी तरह से आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं हम मक्खन को, अच्छी तरह से हम मक्खन से छाछ जो है अलग करने के लिए। अच्छी तरह से मक्खन को हम वॉश करके पानी से निकाल लेंगे। जितना हो सके हम मक्खन से पानी को निकालने की कोशिश करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं रखेंगे इसमें। और इस मक्खन का कलर देखिए, बाज़ार में जैसा मिलता है थोड़ा सा येलोइश, वैसा है बिल्कुल, लेकिन बाज़ार में जो मिलता है उसमें थोड़ा बहुत कलर रहता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है, पूरा फ्रेश है ये घर का बनाया हुआ। तो आप चाहे तो इसे फ्रीज में स्टोर करके मक्खन को खा सकते हैं, या फिर इससे घी भी बना सकते हैं। हमने सारे मक्खन निकाल लिए हैं पानी से, और इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसे भी निकाल देते हैं। हमने सिर्फ 5 दिन के मलाई इकट्ठे किए थे और उसी से हमारा इतना मक्खन निकल आया है। और अगर इसे हम मार्केट से खरीदते तो आप सोचिए हमारा कितना प्राइस पड़ता, और हम इसे घर में बना के कितने फ़ायदे में रहे। और ये मार्केट से कई गुना ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी भी है, हम इसे मक्खन जैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे घी भी बना सकते हैं। इससे घी बनाने के लिए हमने गैस में एक कढ़ाई रखे हैं, और इस मक्खन को कढ़ाई में डाल देंगे। शुरू में हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और मक्खन को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। जब मक्खन पिघल जाएगा तब इसमें उबाल आने लगेगा, और ये देखिए उबाल आने लगा है। अभी हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी लो मीडियम कर देंगे, नहीं तो ये उबालते हुए नीचे गिर जाएगा सारा घी हमारा। और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे नीचे, क्योंकि इसमें इसके अंदर थोड़ा बहुत छाछ है, वो नीचे लगना नहीं चाहिए।
और ये देखिए घी थोड़ा बहुत निकलने लगा है, इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ऐसे। इसमें आप जो ये छांस देख रहे हैं, पहले ही ये छांस नीचे इकट्ठा होगा और घी ऊपर की तरफ छोड़ेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, लगातार इसको चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे। ये देखिए छांस सभी नीचे इकट्ठा हुआ है, अभी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। चलाने से छांस जो है ऊपर आ जाएगा फिर से, और ये ऊपर 2 से 3 मिनट तक पकेगा, फिर से ये पक के नीचे बैठ जाएगा, तब हमारा घी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ध्यान में रखिए गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल लो रखना है, और जब ये नीचे बैठ जाएगा तभी हमें फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाने से इसका कलर जो है ज़्यादा येलोइश हो जाता है और फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हमारा घी पक चुका है, ये जो छांस है नीचे बैठ रहा है, और हम इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी हम 5 मिनट घी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसमें छान लेंगे। और ये देखिए घी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो हम इसमें छान लेते हैं। इस छांस में भी थोड़ा सा घी है, तो हम चम्मच से हल्के हाथों थोड़ा सा दबा के घी निकाल लेंगे इससे, लेकिन ज़्यादा नहीं, हमें बस हल्के हाथों थोड़ा सा ही दबाना है। हमारा घी बन चुका है, और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो हम बाज़ार से क्यों खरीदें, अगर इजीली हम घर में ही इतने सुंदर, इतना बढ़िया, स्वादिष्ट, फ्रेश घी बना सकते हैं, तो हम बाज़ार से क्यों खरीदें। दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये घर पे घी बनाने की रेसिपी कैसे लगे कमेंट बॉक्स पे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छे लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।